ये वैष्णव सिद्धांत की आत्मा है, जीव दया। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये तीन चीज भक्ति को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर देती है। नामे रुचि हमारे स्वयं के लिए, हमारे स्वयं के सक्सेस के लिए नामे रुचि। जीवे दया भगवान की करुणा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मतलब समाज। एंड वैष्णव सेवा मतलब अपने परिवार के साथ। वैष्णव कौन हो गए? वैष्णव उनको कहेंगे ना जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो ये परिवार के लोग हैं। अपना फैमिली बिजनेस चैंटिंग करना है ना, ये तो अपना फैमिली ऑक्यूपेशन है ना, जपा करना हमारा। तो जब वैष्णव सेवा की बात हुई तो पारिवारिक सेवा, पारिवारिक रिलेशनशिप, पारिवारिक रिलेशन मतलब वैष्णव परिवार संबंध। जब जीवे दया की बात हुई समाज कार्य, और जब नाम रुचि की बात हुई तो आत्म सुरक्षा। बेसिकली जीवन ऐसा ही होता है ना, हम हमारे दो चार और उसके बाद समाज, यही तो कंप्लीट करता है ना पूरी सोसाइटी को। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये लाइफ की हर चीज को एक साथ कंप्लीट करती है। लेकिन इन तीनों ही चीजों के लिए सैक्रिफाइस, ये धर्म है। नाम के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जीवन में कुछ आसक्तियों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वैष्णव सेवा करने के लिए शरीर के कुछ स्ट्रेंथ का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जीव की दया करने के लिए, जीव दया दिखाने के लिए अपने फॉल्स ईगो का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब इस प्रकार से सैक्रिफाइस करके हम भक्ति करते हैं तो जे आत्मा सुप्रसिद्धति, वह आत्मा प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों भगवान के कार्य है। हमारा बैक टू गॉडहेड जाना, ये भगवान की इच्छा। महाप्रभु ने कहा ना, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जीव का दया, जीवों के प्रति दया, ये भी भगवान की इच्छा। और वैष्णव सेवा, ये भी भगवान की इच्छा। तो जब हम तीन चीजें अपने जीवन में करते हैं तो बेसिकली भगवान की तीनों इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और जब भी जीव भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करता है तो उसको क्या कहते हैं? समसिद्धि हरितोषणम। यही जीवन का उद्देश्य होता है, और ऐसी ही स्थिति में उसको अपने हृदय में सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, और उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है, जो आत्मा का गुण है, सच्चित आनंद।